सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। तो आप पता है आप उसके पर केस कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा भी जानता है, वो अपने कानून बनाकर तोड़ता नहीं है। वो बता रहा है करा, इसलिए एलीशा ने एलिय्याह को क्या कहा, कहता है कि वो बात करा वो दे मुझे जो मेरा अधिकार है। कहता है क्या, एलिय्याह हिल गया, कहता है ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। कहता है कि नहीं, कहता है बाप दादाओं की प्रॉपर्टी तू लिए बैठा है। कहता है कि अब तू जा रहा है, अब तू स्वर्ग में उठा लिया जा रहा है। कह रहा है कि सुन, कह रहा तूने प्रभु का काम किया। कहता है कि अब कह रहा जो प्रॉपर्टी तूने बनाई हुई है तेरी है, ये अभिषेक तेरे ऊपर है, ये अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है। कह रहा कि ये कह रहा यही अनॉइंटिंग कह रहा कि इससे दुगना मसा मेरे ऊपर आने पाए आज की रात, दुगना मसा आने पाए। हालेलुया। आज आपको बता रहा हूं कि आज संडे जो चर्च में आते हैं आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास अधिकार है। आप यहाँ पुलपीट पर जो खड़ा है उससे मांग सकते हैं। आप यहाँ कह सकते हैं यीशु मसीह यहाँ पुलपीट पर खड़ा है, आप मांगे आपका अधिकार है। और कह रहा है कि आप आपकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने मनुष्य को, इंसान को, कहते शराब देने के लिए नहीं बुलाया, उसको आशीष देने के लिए बुलाया, टेंशन में जीने के लिए नहीं बुलाया, बार बार मुंह से अंगीकार करने के लिए बुलाया। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, बेसहारा हूं, मेरा कोई कम नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कहता है वो एक इंसान को स्वर्ग ही नहीं लेकर जाना चाहता केवल, वो कहता है कि वो एक इंसान को चारों क्षेत्र में आशीषित करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। अगर एक मसीह विश्वासी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों दिशाओं में जहां वो प्यार रख दे, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करे कि मैं धनी हूं, सुखी हूं, आनंदित हूं, आशीषित हूं, इसका मतलब कि परमेश्वर की प्रॉपर्टी आपके ऊपर आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन अगर आपको लगता नहीं है कि आप मौसी के घर गए तो आप उस मौसी के बेड को देखकर बेचैन है। आप नाने के घर में गए पश्चिम में, आप अपनी सांस के सोने को देखकर परेशान है। आप गए अपने चाचे की कार को देखकर पूर्व में परेशान है। क्यों? क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, आप परेशान है, मेरे पास जॉब नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसराइलियों को जब परमेश्वर ने आजाद किया उनको एक बात कही थी कि मैं स्वर्ग नहीं लेकर जा रहा हूं बेटे तुम्हें, कह रहा कि मैं तुम्हें कनान देश लेकर जा रहा हूं। कनान कहता कि जहां दूध की नदियां बहती हैं। हालेलुया। करा दूध की नदियां, करा ऐसा उत्तम देश दूंगा तुम्हें। आज परमेश्वर का आत्मा वो वायदा करता है, कहता कि सुनो अगर जो मेरी बात को मानता है तो आज याद रखना प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा मूसा को कि अगर ये मेरी डिसिप्लिन पर चलेंगे, अगर ये मेरी आज्ञाओं पर चलेंगे, कह रहा कि इनसे जाकर कह देना, कह रहा कि अगर आज मिस्र में इन्होंने ईंटें खाई हैं, मिस्र में इन्होंने भूसा खाया है, इन्होंने घास खाया है, इन्होंने रोटी की बजाय दुख उठाया है, इन्होंने खून पसीना बहाया है, कह रहा है कि लेकिन अगर ये मेरी बात को मानेंगे, कह रहा है जंगल में भी मैं मन्ना गिराऊंगा, अपनी प्रॉपर्टी दूंगा स्वर्ग से। हालेलुया। उसके पास प्रॉपर्टी है और वो देता है। हालेलुया। इस धरती पर जो आप खड़े हैं ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। और परमेश्वर ने इसराइलियों को कनान देश दिया, दिया कि नहीं? किन लोगों को? बहुत सारे लोग जंगल में मर गए क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि हम कनान देश पहुंच पाएंगे। परमेश्वर ने आपको रखा है, आज पवित्र आत्मा उन लोगों को बताने जा रहा है, कह रहा है कि चारों दिशाओं में कौन लोग आशीर्वाद पाते हैं। पहला कह रहा है कि वो जो ये बंदा ये जिसको पता हो कि ये घर जो है मेरा है। हालेलुया। ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी ये मेरी है, ये किसी और की नहीं है, इस पे नाम किसी और का नहीं लिखा है, इस पे जितेंद्र का नहीं लिखा, इस पे धर्मेंद्र का नहीं लिखा, इस पे आमिर खान सलमान खान का नहीं लिखा, इस पे बजिंदर सिंह का लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, एक बात बताना चाहता हूं, जब मेरे लड़कों ने यूट्यूब पर एक साइड में सलमान खान की फोटो लगाई और एक साइड में मेरी लगाई तो मैं बड़ा खुश हो रहा था। पूछो क्यों? मैं इसलिए खुश हो रहा था, मैंने कहा वो इस समय टेंशन में है और मैं टेंशन में नहीं हूं। मैंने देखा, मैंने कहा बेटे, मैंने कहा तू तो सलमान खान से भी सुंदर लग रहा यार है। मैं देखकर हैरान हो गया, मैंने कहा यार मैं तो सुंदर लग रहा हूं इससे, क्योंकि ये शरीर मेरा है, मैं इसको कह सकता हूं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये फेस मेरा है,
आप जब तक नहीं कहते कि मैं आई एम स्मार्ट, आप सुंदर नहीं हो सकते। आप जब तक नहीं कहते आई एम डिफरेंट, आप पाप से अलग नहीं हो सकते। आप जब तक ये बात अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर सकते। अरे मसीह लोग बुढ़ापे में भी सुंदर क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी जुबान बाइबल बोलती है, वो बुद्धि की बातें बोलते हैं और वो मुंह से सच्चाई की बातें निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको अपनी प्रॉपर्टी को गंदा करना है क्या? कोई अपने मकान को, एक मकान पर मैंने देखा चंडीगढ़ में 4,60,00,000 रुपए लगाए एक बंदे ने, और किसी ने जाकर वहां होली के दिन पिचकारी मार दिया, और वो बुड्ढा डंडा लेके सारा दिन गेट पे डंडा तोड़ रहा, डंडा करा, एक भी आगे दिखाओ। वो अपनी प्रॉपर्टी को देख कर कह रहा 4,00,000 का नुकसान करता मेरा, 4,00,00,000 का, 4,00,00,000 का नुकसान हो गया। आपको बता रहा हूं कि जब आप लोग, आपको पता होना चाहिए ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। अगर आप इसके अंदर बैठकर गालियां देते हैं, शराब पीते हैं, पान खाते हैं, अगर आप नशे करते हैं, तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि बताना चाहती है, एक बंदे को पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो आत्मा है, हालेलुया, वो आत्मा भी एक घर है, वो परमेश्वर का घर है। वो इस बॉडी में नहीं काम करता, वो आत्मा के अंदर काम करता है, वो आत्मा के घर में आता है, आत्मा की प्रॉपर्टी में आता है। अगर आत्मा बीमार हो जाए आपकी बॉडी टूट जाएगी। आपकी आत्मा, पहले आपको बता रहा हूं कि बॉडी नहीं टूटती, पहले आपकी आत्मा टूटती है। जब आपकी आत्मा निराश होती है तब हम बीमार पड़ते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आत्मा एक घर है, आपका शरीर एक घर है, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है। परमेश्वर ने आपको प्रॉपर्टी दी है, आपको इतना सुंदर बनाया है, आपको काणा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, बैरा नहीं बनाया। अगर किसी को बनाया भी है तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, करा कि आज परमेश्वर का कलाम अंधों को आंख देने, लंगड़ों को टांग देने के लिए आया हुआ है। तो बोलता है, करा कि सुनो, कहता कि मैं आया हूं और अपने लोगों को आशीर्वाद देकर जाऊंगा। लेकिन अपनी आत्मा को, आज अपनी आत्मा को इस बात के लिए सोचें। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दी हुई है लेकिन तुम्हें पहचान नहीं है। आप सुनो, बाइबल को पढ़ते हैं हम लोग, उत्पत्ति की किताब में 3 के उसमें लिखा, कह रहा आदम जब पाप कर रहा था तो परमेश्वर आया, जब वो नंगा था छिप गया, और परमेश्वर ने आकर कहा, आदम तू कहां है? अरे तू कहां है मेरी प्रॉपर्टी, तू कहां है हवा मेरी प्रॉपर्टी, तू कहां है? बड़े अधिकार से आता है परमेश्वर। एक माँ बड़े अधिकार से आती है, दो बच्चे कंचे खेल रहे होते हैं, और क्या होता है, कुत्ता लैटरिंग कर देता है उसके पास, वो फिर भी खेल रहे होते हैं, कंचे के इतने शौकीन होते हैं। उसकी माँ देख लेती है, एक को उठाती है, करी सोनू खड़ा हो चल अपने घर, मोनू कहता है मेरे को भी ले जा, करे चल परा तू खेल दे रहा है, सड़ा होया। उसको पता है ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इसको उठाऊंगी नहीं, मैं इसको गंद में रहने दूंगी, लेकिन मुझे पता है मेरी प्रॉपर्टी कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जानता है, कह रहा जितनों ने अंगीकार कर लिया, जितनों ने पश्चाताप कर लिया, वो उसकी प्रॉपर्टी है। आज वो आपको उस गंद में से बाहर निकालने के लिए आया हुआ है, उस बीमारियों से बाहर निकालने के लिए आया हुआ है, और वो कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी यहां पर। आप खुश नसीब है, ताड़ी बजाएं जो उसकी प्रॉपर्टी है। आप उसकी प्रॉपर्टी है, सुनो, आप अपनी प्रॉपर्टी को गंदा होने देते हैं, इधर खड़ा हो गया, आप अपनी प्रॉपर्टी को गंदा होने देते हैं। तेरा डैडी कहाँ है? हाथ उठाओ उसका डैडी, इसका डैडी हाथ उठाओ, प्यो हाथ चख ले, ऐ तेरी प्रॉपर्टी है? काला मुंह करता मैदा, जे मैं करांगा तू होन देगा नहीं होन देगा? नहीं मैं तो पास्टर ना कर, जे मैं ना हुआ तो तू की करेगा? ठहर जाओ, मुंडे नू हाथ ना लाई। परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, शैतान जब आपको, आपका मुंह काला करने के लिए आता है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं कि प्रॉपर्टी कैसे पता लगता है, प्रॉपर्टी का कि बाप दादाओं की प्रॉपर्टी निकल कर आई है। कौन देता है इन्फॉर्मेशन? पटवारी, पटवारी इन्फॉर्मेशन देता है, कह रहा है सुनो, कह रहा है कि अरे तुम्हारे बाप दादाओं की है, अरे तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते अपना, अरे केस क्यों नहीं लड़ते? शैतान जब आपका मुंह काला करने आता है, उसी समय यीशु मसीह उस शैतान के बच्चे को रोकने के लिए आता है, कहता है छोड़ मेरी प्रॉपर्टी को, इसका मुंह काला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वचन संहिता में क्या लिखा? वचन संहिता में लिखा, जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं, कह रहा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन, ये बाइबल क्या दे रही है? ये बाइबल इंफॉर्मेशन दे रही है, इंफॉर्मेशन। आप इस बाइबल को पढ़ो, ये बाइबल मेरे हाथ में दो, ये असली है, ये बाइबल, ये प्रॉपर्टी आपकी, आपको नहीं पता, आपको मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं कि इसके अंदर लिखा है
कराए के यहोवा ने कहा, कराए के जिसका भरोसा कराए इस बाइबल पर है, वचन पर है, कराए यहोवा पर है, कराए उसको जाकर बता देना मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन उसके बच्चों का मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया, नहीं होगा उसके बच्चों का मुंह काला। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास? नहीं है। आपकी फैक्ट्री में मुंह काला नहीं होगा, आपके बिजनेस में आपका मुंह काला नहीं होगा, लेकिन क्या आपके पास ये प्रॉपर्टी है, ये बाइबल है आपके पास? झूठे कहीं की यादें नहीं लेके आए। ये बाइबल अगर आपके पास है तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आज उठा दो अपनी बाइबल को ऊंचा करके। हालेलुया, सब जोर से चीखो और चिल्लाओ और कहो ये मेरी प्रॉपर्टी है, हिलाते हुए बताओ, बताओ हिलाते हुए, बोलो ये मेरी प्रॉपर्टी है, जोर से हिलाओ, जोर से बोलो मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें इसमें मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, उसने कहा करा के जितने करा इस वचन पर भरोसा रखते हैं कहता उसका मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया, करा के आज शैतान को गिरा दिया गया। अबे चंट उधर बैठ, सारे बोले हालेलुया। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि आप हाथों को उठाएं और एक दूसरे को बताएं कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये बाइबल मेरी प्रॉपर्टी है। ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, इसलिए बाइबल बोलती है करे मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हुई जाती है। हालेलुया, बाइबल बोलती है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हुई जाती है। आपको बताना जानता हूं कि शैतान भी जानता है कि मेरा घर कहां है। याद करो बाइबल के अंदर कि जब एक दुष्ट आत्मा सालों साल से जकड़ी हुई एक लड़के के अंदर आई और यीशु मसीह ने जब उस दुष्ट आत्मा को निकाला तो उस समय वो क्या कह रही थी, दुष्ट आत्मा कह रही थी कि नहीं ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है। कह रहा कि मुझसे प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी मत ले, मेरा घर मुझसे मत ले, कोई मुझे घर दे दे, घर कह रहा कोई मुझे घर दे दे। शैतान को कोई घर चाहिए, शैतान को कोई ऐसा घर चाहिए जो पाप करता है, जो गालियां देता है, जो शराब पीता है, जो नशा करता है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलता है, सारा दिन मुंह से उल्ट सुल्ट बोलता है, नेगेटिव बातें बोलता है, उसको ऐसा घर चाहिए। लेकिन परमेश्वर को कैसी प्रॉपर्टी चाहिए जो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें बोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या हुआ, आपने देखा यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा जा सूरों के झुंड में चली जा। हालेलुया, किसके घर में गई वो, सूरों के घर में। अरे जब परमेश्वर ने शैतान को भी उसके मांगने के अनुसार उसको एक घर दे दिया तो क्या वो परमेश्वर आपके मांगने के अनुसार आपको एक सुंदर घर नहीं देगा? ताड़ी बजाएं अपने लिए, आपको सुंदर घर देने के लिए जा रहा है वो। आमेन। वो आपके प्रॉपर्टी आपको वापिस करने के लिए जा रहा है। आमेन। वो आपके बिजनेस आपको वापिस करने के लिए जा रहा है। आमेन। वो आपके बच्चे आपको वापिस करने के लिए जा रहा है। आमेन। वो आपके शरीर को फिर से भला चंगा करने के लिए जा रहा है। उसने कहा मूसा को सुन, कहता कि जाकर इसराइलियों को इन्फॉर्मेशन दे, कहता कि अगर ये मेरी बात को मानेंगे। कहता मूसा गया और उसने जाकर कहा, कहता मैं परमेश्वर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। कहता कि सुनो सब ध्यान से, कहता कि परमेश्वर ने जो मिस्र देश से बीमारियां तुम्हारे ऊपर भेजी थी, कहता कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहता कि जितने आज से परमेश्वर के पवित्रताई में चलेंगे, कह रहा है कि याद करना, कहता उनको परमेश्वर बोल रहा है, कहता है फिर से कोई बीमारी मैं उनके घर में नहीं भेजूंगा, उनके शरीर में नहीं भेजूंगा। 90% लोग जल्दी बीमार नहीं होते क्योंकि वो यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है। हालेलुया, जितनों ने बैप्टिज्म लिया हुआ आज अपने लिए ताड़ी बजा लो। हालेलुया, कौन है आप, जितने पवित्रताई में चलते हैं वो ताड़ी बजाएं। आप कौन है, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं और परमेश्वर की प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया, आप अपने पड़ोसी को कहो कि तू मेरी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता, बोलो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पड़ोसी को बोलो तू मेरी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता, बताओ उसको कि तू मेरी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता, जोर से बताओ, जोर से बताओ। हालेलुया, आपने बताया, कोई पढ़े सुलेमान की किताब, सुनो दूसरा इतिहास 7:14, जल्दी पढ़ो। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को क्यों चुना है,
इन्फॉर्मेशन देने के लिए चुना है कि जाकर उन लोगों को बता दो जिनकी प्रॉपर्टियां पकड़ी हुई हैं, जिनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जो लंगड़े हैं, जो बहरे हैं, जो टूटे हैं, जो बीमार हैं, जो कर्जे में हैं, जो समस्याओं में हैं, जो दुष्ट आत्माओं से आज भी ग्रस्त हैं, उनको बता दो, उनको इन्फॉर्मेशन दे दो कि यीशु मसीह ने कहता कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए बुला लिया है, तुम्हें छुड़ा लिया है। कहता कि जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया, कहता है वो कोड़े खाने से चंगे हो चुके, उसके 39 कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि विश्वासी लोगों को बहुत बार पता नहीं लगता कारण क्या है। कारण ये है क्योंकि वो प्रार्थना करने का ढंग नहीं है। कोई पढ़ेगा परमेश्वर ने क्या आशीर्वाद दिया, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा उसने सुलेमान को, क्या कहा उसने, कहा कि तू मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, कह रहा कि तू मेरा मंदिर बनाएगा, बोलते हाँ मैं बनाऊंगा। परमेश्वर ने अगर आपको ये शरीर दिया है, अगर ये आत्मा दी है, ये खाने पीने और सोने के लिए नहीं दिया, परमेश्वर ने ये आत्मा ये शरीर आपको इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर के कामों को करें, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। उनकी प्रॉपर्टी पर कभी कब्जा नहीं होता, उनके शरीरों पर कभी कब्जा नहीं होता। अगर है तो वो आज की रात छुड़ा लिया जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। आज वो छुड़ाए जाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर की प्रॉपर्टियों को पता लग चुका है, हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। आपको परमेश्वर ने चारों दिशाओं में आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, आपको कंगाल होने के लिए नहीं बुलाया। बहुत सारे लोग मुंह से बोलते रहते हैं मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मेरे पल्ले कुछ नहीं हैगा, ओदे पल्ले कुछ नहीं रहना, वो गरीब ही हो जाना है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि उनको ज्ञान नहीं है, कह रहा कि सुनो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बाइबल के अंदर इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखा है। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि इसके अंदर लिखा है कि मैं कंगालों को, कह रहा जितने सुसमाचार सुनाते हैं, मैं कंगालों को धनवान करने के लिए आया हूँ। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन, हालेलुया। कह रहा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कह रहा अगर जितने मेरे वचन पर भरोसा रखते हैं, कहता कि इस प्रॉपर्टी में लिखा है, जब कोई वसीयत होती है उसके अंदर लिखा जाता है फलाना एक कनाल 4 नंबर, फलाना एक कनाल 14 नंबर, फलाना एक कनाल 12 नंबर, फलाना एक कनाल फलाना नंबर, और उधर शैतान भी लिख रहा होता है, कह रहा 4, 14, 24 कुत्ते के पेट में 12 मायावती की माया, फिर मादा का साया, मैं जाके कब्जा करांगा। करता है कि नहीं, ओ पाड़े पड़ता है, कोई ना कोई गल्ला करता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, शैतान अपने मंत्र मारता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे घर है, कहता है जो मेरे घर है, कहता है मैं उन घरों के अंदर वास करूंगा, कहता कि और कहता है उनकी प्रॉपर्टी को आजाद कराऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए आपको बता रहा है कि आपके अंदर एक बुलंद विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके अंदर आ चुका है, आपके घर के अंदर आ चुका है। आपने कहा है कि परमेश्वर मैं तेरी प्रॉपर्टी हूं और तू मेरी प्रॉपर्टी है, और वो आपके अंदर आ रहा है। जब तक आप नहीं कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरी प्रॉपर्टी है और मैं तेरी प्रॉपर्टी हूं, आप जब रिश्तेदार को बोलते हैं कि तेरा ही घर है तू जद मर्जी आ सकता है, अपने ताए चाचे नु कहंदे हो कि तेरा ही घर है तू जद मर्जी आ सकता है, कोई ताऊ चाचा तुम्हारी हिम्मत के बगैर, तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता, आज परमेश्वर, आज वो पूरी दुनिया दा परमेश्वर, आज वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता, वो परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है। मैं तुम्हें दस रहा कि मैं तुम्हें दसना चाह रहा कि कदों जद गलील के काना विच, जद गलील के काना के अंदर जद एक ब्याह सीगा, लेकिन बारात आने में अभी समय था, लेकिन घड़े खाली थे। लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने चमत्कार क्यों किया उस गलील के काना में, क्योंकि वहां पर परमेश्वर को इनवाइट किया गया था, इनवाइट किया गया था, निमंत्रण दिया गया था। बिना निमंत्रण दिए परमेश्वर नहीं जाता। आप जाते हैं क्या? मुझे देख देखो, आप मुझे इनवाइट करो मैं तो भी नहीं आने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा हुआ है कि तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा इनके घर। आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर को इनवाइट करना है। आपके लड़के की शादी होगी, खड़े हो जाओ। मुंडा हो गया,
एक बेटा ब्याह वाला इतने आया, मैं कि फारसी बोल रहा, कहती हाँ बोल रहा, ध्यान नाल सुनो, मैं तेनू देख के कह रही थी एक मुंडा ब्याह वाला है तो मैं इनवाइट करेगी अपने घर, पर मैं नहीं आना तेरे ब्याह विच, तू यीशु मसीह नू इनवाइट कर, तेरे मुंडे दा ब्याह होने जा रहा है। हालेलुया। क्या मेरी भविष्यवाणी झूठी है? तू चांदी है, चांदी है, पवित्र आत्मा तेरे उत्ते दया करने जा रहा है। हालेलुया। कह रहा मैं कह रहा कि तुहाडे अंदर जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह वो आत्मा, वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो आपके अंदर वास करे। आप उसको बताओ, उसको हिलाओ अंदर, अपने अंदर हिलाओ, अपने अंदर उसको बताओ। कैसे हिलाओगे? इधर तोड़ के बॉर्डरलैंड इधर हिला, दस जोर जोर मुक्के मार, दोनों तीनों जोर जोर मार, लगता पहलवान है कि नहीं, हिला अंदर अंदर अंदर, रब बैठे दस उन्हों दस जोर नाल मारता, अपने शरीर नु दुख दे रहे हैं, मार जोर जोर नाल, एवं मार देने, इधर मार इन दस इन कि मार दे। हालेलुया। मैं तुम्हें की दस रहा, मारी इन आराम नाल, सारे बोले हालेलुया। इसको पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कैसे मुक्के मार रहा है? अगर मैं इसको कहूं मार, ये इतनी जोर से मारेगा वहां गिरेगा जाके। अभी परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता कि आपको सिर्फ बाइबल को देखना है, वो प्रॉपर्टी को हाथ में उठाना है और कहना है इसमें लिखा है, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं जो ऊसो हूं, कहता कि मैं जो जैसा चाहूंगा वैसा होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है कि आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर एक आत्मा है, और जो आपका घर नहीं वो परमेश्वर का घर है, आपका शरीर आपका घर है, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर आया हुआ है, और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करो, परमेश्वर आज आपके अंदर से सारी बीमारियों को हटा रहे। आज इस प्रचार के बाद बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टियां मिलने के लिए जा रही है। आज इस प्रचार के बाद आपकी हार्ट, आपका हार्ट जो बीमार है वो प्रॉपर्टी छुड़ाई जा रही है। आमेन। जिसकी किडनियां प्रॉपर्टियां ये बीमार है वो छुड़ाई जा रही है आज। आमेन। जिसका सिर सर्वाइकल में है आज वो छुड़ाया जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। जिसके बच्चेदानी में रसोली आज वो छुड़ाई जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। लेकिन आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी है। हालेलुया। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके पास इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। आपको बता रहा हूं कि एक प्लेन उड़ाने वाला कहां जाता है? एक प्लेन उड़ाने वाला, एक प्लेन उड़ाने वाला कहां जाता है? एक प्लेन उड़ाने वाला अपनी ताकत से प्लेन नहीं उड़ाता, वो जिम के अंदर नहीं जाता एक्सरसाइज करने। प्लेन जिम से नहीं उड़ाया जाता, बुलडोजर जिम से नहीं उड़ाया जाता, वो परमेश्वर के घर में वो सीखने से उड़ाया जाता है। हालेलुया। पहले उसको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, जांच कैसे उड़ाते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, टीचिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बुलडोजर कैसे चलाते हैं ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये नहीं कि जिम इतना बड़ा बुलडोजर इतने ज्यादा डिप्स, जितने जितना बड़ा प्लेन उतने ज्यादा डिप्स, वर्जिश वाले से काम नहीं चलना। कहता उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा। इसलिए बाइबल बोलती है, क्यों? क्योंकि प्लेन के पास पहले ही पावर है, पावर। अरे बुलडोजर के पास पहले ही पावर है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जितने यहां बैठे हैं, यीशु की प्रॉपर्टियां आपके पास पहले ही पावर है, पावर आपकी जुबान में पावर है, पावर। लेकिन बस इन्फॉर्मेशन ले लो आज इस स्कूल में, चर्च में आकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कि हमें कि प्लेन को कैसे उड़ाना है, शैतान को कैसे भगाना है, आज बीमारियों को कैसे उड़ाना है, आज करते के कैसे फरकच्चे उड़ाने हैं, आज उड़ा दो यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सुलेमान को कहा, कहता है कि अब से, कहता है मेरी प्रॉपर्टियां अगर, कहता है मेरे चर्च में, कहता है सुलेमान इस मंदिर में आकर कहता है प्रार्थना करेंगे, मेरे कान उनकी ओर लगेंगे, मेरी आंख उनकी ओर लगेगी, उनको ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी। नहीं तो बहुत सारे क्या करते हैं, इधर आओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े खड़े, बहुत सारे क्या करते हैं, इधर आ जाओ बब्बू, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप मसीह में हो तो आपने क्या करना है, बहुत सारे आते हैं सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि जा 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 जा, और जाती नहीं है, जा 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 जा, जाती नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? कहता कुछ नहीं करना, कहता आपके अंदर पावर है, लेकिन पहले सीखो। कहता बटन दबाओ, वो जा रही है, देखो मैं बटन दबा रहा हूं, चलो।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करना है? अरे बटन चाहिए कि नहीं? अरे क्यों घबराए हुए तुम? परमेश्वर का आत्मा बोलता है हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि सुनो कि मेरे पास बटन है, बटन। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? आप सालों साल भी बाइबल पढ़ते रहो, अगर आप सीखते नहीं, आपको पावर का नहीं पता है। हालेलुया। आपने प्लग लगा दिया और घर चले गए, और उसके बाद दो घंटे बाद आए तो क्या हुआ? सांस बहू की लड़ाई हो गई है। कह रही चल लीजी, प्लग लगा गई, बटन दबाना भूल गई। आपने प्लग दबाया लेकिन बटन नहीं दबाया। समझ रहे मेरी बात को? कि परमेश्वर का आत्मा सुलेमान को कह रहा था, कहता कि अब से, बहुत सारे लोग गुस्से में जाते हैं, कह रहे जा पादरी मेरी नहीं सुनता, अपन घर बैठ के प्रार्थना कर लेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता कि नहीं, कहता संडे चर्चा जाना पड़े। हालेलुया। वो कहता सुलेमान नु क्या, कहता कि जा, कहता जिन्ने लोग दुकान ते नहीं, फैक्ट्री ते बह के नहीं, बाहर सड़क ते खड़े होके, मोड़ा ते खड़े होके प्रार्थना नहीं करेंगे, कहता जिन्ने चर्च विच बह के प्रार्थना करेंगे, कहता उन्हां नु प्लग लाण दी जरूरत नहीं, बस बटन दबाण दी जरूरत। पावर आ पावर, वो बंदा पावरशाली आ। हालेलुया। मैं बोल रहा वो पावर नु देख रहा मैं। हालेलुया। पावर आ पावर। हालेलुया। मैं की कह रहा हूं, मैं की कह रहा, मेरे नाल नाल अनॉइंटिंग घूम रही है। हालेलुया। जेड़े मैं प्रचार कर रहा, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा रहा, दिखा रहे हैं कि नहीं, कि यीशु मसीह इत्थे है कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा कहता कि तुसी विश्वास करो कि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है और आजाद करने के लिए जा रहा है। आमेन। अरे क्यों नहीं करेगा आजाद? क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। लेकिन जितनों ने बैप्टिज्म नहीं लिया वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसने उसको अपना अधिकार नहीं दिया है। आपने अधिकार देना है, परमेश्वर को काम करने दो। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, कहता वो मेरी प्रॉपर्टी है, जो आए संडे चर्च आते हैं वो मेरी प्रॉपर्टी है, कहता ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी, कहता लेकिन सुनो, कहता आज से मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए जा रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। कह रहा कि आज आपकी प्रॉपर्टी, आज जितनी भी पकड़ी हुई है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक से एक सब की सब छुड़ा ली जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। लेकिन आपने करना क्या है? कह रहा कि जितने लोग कहता आते हैं चर्च के अंदर, चर्च के अंदर आए, आप घर से जल्दी निकलो, यहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके आने से पहले आते हैं, यीशु मसीह आपके आने से पहले आता है। उसने क्या किया? बहुत सारे लोग चर्च में जाते थे, लेकिन एक दिन क्या किया यीशु मसीह ने, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहुंच गया। चर्च के लोग लेट जाते थे, कहते कि जब यीशु मसीह आएगा हम तब जाएंगे, लेकिन उसने क्या किया कि चर्च के लोग अभी नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह वहां पर कुर्सी डालकर बैठ गया। सुबह से बैठा था, सुबह से बहुत सारे लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। एक विधवा औरत इतनी जोर जोर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं तेरे लिए। और उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी महीने की कमाई उसने उस डब्बे में डाल दिया। और उस समय परमेश्वर ने उसको बताया, कह रहा कि सुन, कह रहा उसको दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको बताया, सबको बताया, कह रहा कि मैंने सब धनवानों का धन फेल कर दिया, कह रहा आज मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, कह रहा उन लोगों का, कह रहा कि जो सुबह जल्दी निकल कर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, कह रहा जो अपने मन को मारते हैं, कहता अपने मन के बीज को मार देते हैं, कहता जो परमेश्वर के बीज को लेकर आते हैं, कहते हैं उनको मैं ऊंचा उठाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज से आप उठने के लिए जा रहे हैं, आप गरीब होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप श्रापित और बीमार होने के लिए नहीं बुलाए गए। बीमार कौन होता है? जो प्रार्थना नहीं करता। यहाँ पर क्या करें आप? जब संडे आए आप प्रार्थना करें, एक घंटा दो घंटा जितनी देर आपसे हो जाए, फिर आप वर्शिप का टाइम है वर्शिप करें, फिर उसके बाद आप जितनी देर रो सकते हैं पहले रो ले, खूब प्रार्थनाएं कर लें, वर्शिप कर लें, और उसके बाद जैसे ही पास्टर जब अंदर आता है तो याद रखना कि उस प्रोफेट के साथ यीशु मसीह यहाँ आया हुआ है आपको आशीष आनंदित करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आपकी प्रॉपर्टियां वापस देने के लिए। आप कितनी देर से आप मांग रहे थे, परमेश्वर मेरा बच्चा मुझे वापस दे, मेरा शरीर मुझे वापस दे, मेरा हाथ मुझे वापस दे। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि आपने कितनी प्रार्थनाएं की हैं इस चर्च में आकर, नहीं किए। लेकिन आज से आपने क्या करना है, आपने जल्दी आकर यहाँ प्रार्थनाएं करनी है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है
कहता कि आज से हर एक जन छुड़ा लिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टियां आजाद कर दिया जाएंगी। आज से आपकी प्रॉपर्टी आपको मिलने के लिए जा रही है। आपके पास एक प्लाट है, दो होने के लिए जा रहे हैं। एक कार है, दो होने के लिए जा रही है। एक बच्चा है, अगर आपको बच्चे चाहिए, बच्चे मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर जॉब चाहिए, जॉब मिलने के लिए जा रही है। वीजा चाहिए, वीजा मिलने के लिए जा रहा है। आपको शरीर चंगा चाहिए, शरीर चंगा होने के लिए जा रहा है। लेकिन आपको परमेश्वर की प्रॉपर्टी बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर को उसकी प्रॉपर्टी बन के दिखाओ। जेड़े रखी दे ईमान जी सुनाते हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनो, आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि इस बात से ये शिक्षा दे रहा है कि जब आदम और हवा के पास आया तो उसने क्या कहा? उसने कहा, तू कहां है? कहता, मैं छिप गया। कहता, क्यों? कहता है, क्योंकि मैं नंगा था। हालेलुया। आज नंगा कौन है? आज वो नंगा है जो पाप करता है। आज नंगा वो है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी प्रार्थना पर। आज नंगा वो है जो संडे विश्राम दिन मनाने नहीं आता। नंगा वो है जो प्रभु को दशमांश नहीं देता। नंगा वो है, कहता है, जो परमेश्वर की बातों में अमल नहीं करता, वो लोग नंगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जो पवित्रता में चलते हैं, उसने आदम और हव्वा को कहा, कहता है कि तुझे मालूम नहीं है, कहता है, मैं तुझे जंगल में यहाँ क्या करने आया हूँ, बाग में। अरे परमेश्वर बाग में क्या करने आया था? ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, परमेश्वर क्या करने आया था बाग में? इन्फॉर्मेशन देने आया था आदम और हव्वा को। वो सोच रहे थे, हमने गलती कर दी है, हम आज भी नंगे हैं, हमारे तन पे कपड़े नहीं है, हम बीमार हैं, हम लाचार हैं। हर एक इंसान आज परमेश्वर के सामने रोता ही रहता है, मांगने के बाद रोता ही रहता है। वो क्या रोता रहता है? वो कहता रहता है, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अनाथ हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, मेरा कोई नहीं है। ऐसे ही रो रही थी वो। सब्र कर दो मिनट। अभी क्या हो रहा था कि उस समय वो परेशान हो रही थी। आदम और हव्वा परेशान हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। कह रहा, मेरे बेटे तूने गलती कर भी दी है, लेकिन मैं तुझे इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। किसने कहा तू नंगा है? अरे तू मेरी प्रॉपर्टी है, तेरे तन पर मैं कपड़े पहना चुका हूं। हालेलुया। आज वो लोगों को बताने के लिए आया है कि बहुत सारे लोग जो इतने गलतियां मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो फिर घर जाकर यही रोते रहते हैं, परमेश्वर मैनू माफ कर दे, मैनू माफ कर दे। परमेश्वर दा आत्मा करे, ओ कहंदा, नंगे होने की जरूरत नहीं है। कहंदा, ध्यान करो। कहंदा, जिन्ने पश्चाताप कर लिया है, कहंदा कि तुसी सिर्फ, कहंदा कि इस गल नू इन्फॉर्मेशन ले लो अपने अंदर। कहंदा, जिन्ने सुसमाचार सुनांदे ने ओ कंगाल नहीं रहने, ओ धनवान कर दिए गए ने। आमीन। कहंदा, जिन्ने जिन्ने उहदे कोड़े ते विश्वास करदे ने, जिन्ने उहदे लहू ते विश्वास करदे ने, कहंदा कि ओ जिहदे उहदे क्रूस ते विश्वास करदे ने, कहंदा उहनां नूं मैं इन्फॉर्मेशन देण वास्ते आया कि हुण तुसीं बीमार नहीं हो, छुड़ा लिए गए हो। आमेन। आप छुड़ाए जा चुके हैं। आप कौन है? आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालेलुया। कई बार क्या करता है, एक लड़का अपनी माँ को पूछता रहता है, भूल जाता है बच्चा, बोलता है, मम्मी मेरे पैसे किथे गए, मेरे पैसे किथे गए। लेकिन उसकी माँ उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है, इन्फॉर्म कर दी है, कहती, पुत्र तेरी पॉकेट विच पए ने। अगर मैं कहूँ आपकी पॉकेट में 2000 का नोट आ गया है, खड़े हो जाओ, आपकी पॉकेट में 2000 का नोट आ गया है, देखो चेक करो, पाने से पहले ही करा करा नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है। आप आदम की तरह कह रहे हैं कि मैं नंगा हूं। समझ रहे मेरी बात? मैंने इसको बोला, ये विश्वास है और मैं आपके अंदर विश्वास डाल रहा हूं कि परमेश्वर तेरे घर में 2000 नहीं 2,00,000 रुपए देने के लिए जा रहा है। आमेन। एक प्रोफेट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। एक प्रोफेट किस लिए भेजा गया? कि जो लोग निराशा में, चिंता में, बीमारियों में, समस्याओं में आज भी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, यीशु मसीह आ गया, वो प्रोफेट,
और उसने उन लोगों को कहा, करा कि मेरी प्रॉपर्टियों, तुम मेरी प्रॉपर्टियां छुड़ा ले गए हो, तुम आजाद कर दिए गए हो, तुम धनी कर दिए गए हो, तुम बुलाए गए हो, तुम करा कि मैं बादलों पर आऊंगा। कहता तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं कि मैं फिर बादलों पर आऊंगा और अपनी प्रॉपर्टी को अपने साथ लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी को साथ नहीं लेकर जा सकते, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपको अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए आएगा, हालेलुया। आज हाथों को उठाओ और माँ बच्चे को बताती है कि बेटे तेरी पॉकेट में, मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ तुझे, मैंने कल कपड़े धोते हुए देखा तेरी पॉकेट में 2000 का नोट था, और वो जाकर चेक करता है, वहां मिलता है। तो परमेश्वर का आत्मा यही बोल रहा है, कह रहा आज का वचन यही है कि आपने सीखा और समझा कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है जो बीमार है, जो निराशा में है, जो समस्या में है, जो चिंता में है, जिनका दुख बढ़ता जा रहा है, जिनका सब कुछ खो गया है। आज आसमान का खुदा मेरी जुबान से कह रहा है, जितने लोग चर्च में आए उनसे जाकर कह दे कि मैं उनका सब कुछ लुटाने जा रहा हूं, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम्हारी प्रॉपर्टियां वापिस देने जा रहा हूं, तुम्हारी प्रॉपर्टियां वापिस मिलने के लिए जा रही है यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरे साल के अंदर 2018 के अंदर आपके दो बड़े काम आप अपने दिमाग में सोचो, वो होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम, आमीन। अपने हाथ उठाओ अब और परमेश्वर की महिमा करो इस गीत में, हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और परमेश्वर को कहो वो दो प्लान कौन से हैं आपके, बताओ दो प्लान परमेश्वर को बताओ। जेड़े रखी दे ईमान जी सुनो ते, जेड़े रखी दे ईमान जी सुनो ते, वो बंदी ना चो खुल जाते ने, उपदी ना चो खुल जाते ने, जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी हजूरी आ जावे ते जकड़े आजाद होते ने, अपने हाथों को फिरा लो, ते जकड़े आजाद होते ने, जितने आज जकड़े हुए हैं आज वो आजाद होने जा रहे हैं, अपने हाथों को फिलाते हुए बोलिए, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, जदों रूदी हजूरी आ जावे, जदों रूदी हजूरी आ जावे, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, जदों रूह दी हजूरी आ जावे, ते जकड़े आजाद होते ने। खुदा आपको आजाद कर रहा है, अपने आप को उसके सामने समर्पण कीजिए, अपनी आंखों को बंद रखे, खुदा का आत्मा इस वक्त काम कर रहा है आपकी लाइफ में, इस वक्त काम कर रहा है, अपने हाथों को फिलाते बोलना शुरू कीजिए, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके, और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको जयमसी की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।